गाइस तो आप देखते हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर सेकंड का एग्जांपल 6th, ठीक है। तो जो चैप्टर सेकंड के एग्जांपल 6th में क्या लिखा है, डिवाइड 2x² + 3x + 1/x + 2, ठीक है। गाइस देखो, डिवाइड किसी भी एक इक्वेशन को किसी दूसरे क्वालिटी की इक्वेशन से डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। अगर वो फॉलो कर लिया तो कभी भी आपको डिवाइड करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो करते हैं ऐसे, हमें इसे डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले 2x² + 3x + 1 को अंदर और जो x+2 है इसे यहाँ पे, ठीक है। देखो करना क्या है, सबसे पहले स्टेप है जो ये नंबर पहला, ठीक है, इस वाले नंबर को लेना है अलग, इस वाले नंबर को अलग लेना है, ठीक है। तो दोनों के नंबर को, जो पहले वाले नंबर है उसे अलग लेना है, जैसे 2x² है इसे अलग ले लिया और यहाँ पे x है इसे अलग ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 2x² का मतलब क्या है, 2 और 2 बार x, ठीक है, और नीचे 1 बार x, x से x कटा तो क्या बच गया मेरे पास, 2x बच गया ही, ठीक है। तो ये जो बचा है इसे यहाँ पे लिख दो 2x, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले ये ले इसका पहला लिया, इसका पहला लिया, ठीक है, इस वाले को इससे डिवाइड किया, ठीक है, जो मेरे पास आया उसको मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। इतना करने के बाद जो पहला नंबर है उसको एज इट इज़ नीचे लिख दो 2x² ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो ये वाला नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर आया यहाँ पे, इसको इसके अगले वाले से, मतलब अब आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2x को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 2x है, ठीक है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, ठीक है। तो जो 4x आएगा उसे कहाँ रखना है आप पे, देखो प्लस का 4x आएगा तो प्लस का 4x, ठीक है। गाइस देखो एक बात ध्यान रखनी है कि जो जैसे ऊपर x² यहाँ पे, x² यहाँ पे, उसके नीचे नीचे रखना है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, इसके नीचे रखा है मैंने। अब क्या करेंगे, हम सबके साइन चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ये प्लस का है तो इसे माइनस का कर देंगे, और ये प्लस का है ये भी माइनस का कर देंगे, ठीक है। अब जो ऊपर वाली साइन है उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है, जो ऊपर वाली साइन है उसकी क्या कोई भी अब वैल्यू नहीं रही। तो अब क्या करेंगे, देखो जैसे अगर ये जो नंबर है, ठीक है, ऊपर मतलब अगर साइन अपोजिट है और नंबर सेम है तो क्या ये कट जाता है, वैसे हमेशा जो पहला वाला वो हमेशा कटता है, ठीक है, जो पहला वाला वो हमेशा कट जाएगा। उसके बाद देखो जैसे दूसरा, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, तो क्या दोनों को ऐड करेंगे अब, तो जैसे माइनस का 4x और प्लस का 3x, ठीक है, माइनस का 4x है और प्लस का 3x है, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है ना, माइनस का 4 + 3 = - 1 आएगा, ठीक है, वही सेम है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे माइनस का x, ठीक है। तो 4x और +3x, तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे आएगा माइनस का x, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारे पास बच गया है उसे क्या है, हमें एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो माइनस का एक्स और प्लस में 1, मैंने क्या इसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर क्या करना है, फिर इसका पहला लेना, देखो जैसे मैंने ऊपर किया दोबारा वही प्रोसेस फॉलो होगा, फिर इसका पहला लेना है और इसका पहला लेना है। इसका पहला क्या है, माइनस का एक्स, ठीक है, और उसका पहला क्या है हमारे पास, वो सिर्फ एक्स है। अगर देखो एक्स से एक्स कटेगा तो मेरे पास माइनस का 1, देखो कोई अगर ऊपर नीचे जब भी नंबर सेम होते हैं, ठीक है, तो क्या मेरे पास कट के हमेशा क्या है 1 बचता है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास माइनस का 1 बचा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, माइनस का 1 और इसे एज इट इज़ जो ऊपर लिखा है सेम नीचे उतारना है। फिर इसको माइनस के 1 को जो भी यहाँ पे आता है ना उसको इसके अगले से करना होता है मल्टीप्लाई, तो माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 2 1 2, ठीक है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का 2। अब सबका साइन चेंज कर दो प्लस, मैंने तो जो पहला होता है हमेशा कट जाता है, तो पहला पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन, ये माइनस का है तो प्लस का आएगा, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 3, दैट्स ऑल, ये ख़त्म, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं जो एग्जांपल 7th है वो, देखो एग्जांपल 7th में क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल 7th में ये बता रखा है कि हमें 3x³ को 3x³ + x² और प्लस
2x और प्लस 5, इसे हमें क्या है डिवाइड करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 से, ठीक है, इससे डिवाइड करना है। तो गाइस देखो अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने उस वाले में बताया वही सेम चीज़ में भी है। अब क्या इससे हमें पहले इसका पहला लेना है और इसका पहला लेना है, ठीक है। इसका पहला क्या है मेरे पास 3x³ है, इसका पहला क्या है एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। हमें ये देखना है, इसका पहला लिया मैंने फिर इसका पहला लिया, तो इसका मतलब क्या है 3 1 2 3, एक्स का क्यूब है 3 बार है, 3 बार लिख दिया मैंने, फिर 1 2, 2x से 2x कट गया तो क्या बचा मेरे पास 3x, जो बचा है उसे यहाँ लिख दो, ठीक है 3x लिख दिया यहाँ पे मैंने। अब देखो जो पहला है उसे एज इट इज उतार दो, तो 3x³, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, जो 3x है उसको इसके अगले से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 3x को अगर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3x है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 2 6 और एक्स का स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारे पास प्लस का 6 एक्स का स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको इसके अगले वाले से करो, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे आता है उसको उसके सब अगले से कर देते हैं, ठीक है। फिर 3x को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 3x, ठीक है। तो ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस और प्लस का है तो माइनस, ठीक है यही करेंगे अब। और फिर देखते हैं इसके आगे, अब क्या है पहला हमेशा पूरा कट जाता है, उसके बाद देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी होती कि बड़े नंबर में से छोटा, जब भी हमारे पास साइन अलग अलग होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं और जो बड़े वाले के आगे साइन है वो लगाते हैं, ठीक है। ये साइन तो हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, ये जो प्लस का है ये तो ख़त्म, ठीक है। अब हमारे जो साइन क्या है इसके बदले ये माइनस माइनस आ गया, ठीक है। तो क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना है। तो 6x के स्क्वायर में से अगर 1x का स्क्वायर आएगा तो क्या बचेगा माइनस के 5x का स्क्वायर, और यहाँ भी हमें क्या करना है बड़े में से छोटा माइनस करना है और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का एक्स और प्लस 5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है, बस फिर क्या करना है, इसका पहला ले लो और उसका पहला, तो माइनस का 5x का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया जो माइनस का 5, तो यहाँ लिख दो माइनस का 5, और ये जो है ये हमारे क्या करना है इसे एज इट इज़ उतारना है, ठीक है। पहला क्या होता है हम इसे एज इट इज़ उतारते हैं, उसके बाद जो ये नंबर आया उसको इसके अगले वाले से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जो पहले ऊपर प्रोसेस फॉलो किया है वही दोबारा नीचे भी करना है, ठीक है। तो माइनस का 5 है यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये माइनस का है ये प्लस का है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास माइनस का 10x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10x, फिर माइनस के 5 को क्या करेंगे हम 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस का 5 आएगा, ठीक है। जैसे माइनस के 5 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो कि मेरे पास क्या आएगा माइनस का 5 आएगा। फिर क्या करेंगे, ये माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, पहला पूरा हमेशा कट जाता है। उसके बाद देखो ये प्लस का है ये माइनस का, मैंने बताया था जब भी साइन अलग अलग होते हैं तो क्या करना होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो, जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो, ठीक है। बड़े के आगे तो प्लस का साइन है, ये साइन तो हमारा हट गया, ठीक है। तो क्या करेंगे अब 10x में से 1x माइनस कर दो, इसका मतलब 1x होता है, ठीक है। 10x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 9x, और उसके बाद ये प्लस का है ये प्लस का, तो कितना आएगा हमारे पास प्लस का 10, दैट्स ऑल। गाइस देखो ये डिवाइड करने का सबसे इजी वे है, अगर इस तरीके से नहीं आया तो मान लो आपको नहीं आएगा, मतलब कोई सा भी तरीका नहीं आएगा, सबसे इजी वे यही है, दैट्स ऑल, थैंक यू।